हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 16.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है वन। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू ए एट द पॉइंट दिस। ठीक है, चलिए हमारे पास कर्व दिया हुआ है रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई इक्वल टू में। पॉइंट हमें पता है, हमें बस स्लोप निकालना होगा, है ना, इस पॉइंट पर। चलिए तो पहले इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा इसका? वन बाई टू रूट एक्स प्लस का वन बाई टू रूट वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में जीरो। कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाते हैं। वन बाई टू रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस वन बाई टू रूट अंडर एक्स। तो यहाँ से देखिए, आप टू से टू हटा ही देते हैं या उधर ले जाके भी काट सकते थे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? माइनस रूट एक्स रूट वाई बाई रूट एक्स, रूट वाई इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में और नीचे ये डिवाइड में। चलिए तो रूट वाई बाई एक्स आया। अब देखिए हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स देखना है जो पॉइंट दिया था उस पर। तो पॉइंट आपके पास ऊपर दिया था ना जी, किस पॉइंट पे? तो ए स्क्वायर बाई फोर कॉमा ए स्क्वायर बाई फोर पर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर बाई फोर और बाई में रूट अंडर ए स्क्वायर बाई फोर कट जाएगा, माइनस का वन आ गया। तो अब इसके बाद लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट? वाई माइनस वाई वन यानी ए स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू में स्लोप जो था आपका वो, और इंटू में एक्स माइनस एक्स वन। बात को समझ गए ना जी? हम लोग पढ़े हैं ना जी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू में जो स्लोप होगा उस पॉइंट पर, और इंटू में एक्स माइनस का एक्स वन, है ना जी, यही होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये आ गया। अब देखते हैं इसके बाद, वाई माइनस ए स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई फोर। इसको इधर लाते हो, इस कॉन्सेप्ट को इधर, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर और प्लस में ए स्क्वायर बाई फोर। उसको ऐड कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा टू ए स्क्वायर बाई फोर, ये टू टाइम्स में कट जाएगा, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर बाई टू। ये आपका आंसर हो जाएगा।